न्यूज चैनल की तरफ से नमस्कार। गाजीपुर से इस वक्त खबर आ रही है, यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल पर जिला विद्यालय परीक्षा का कार्यवाही। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का अंतिम दौर जारी है। कल परीक्षा का अंतिम दिन है। जनपद में नकल विहीन परीक्षा कराने में जिला प्रशासन सफल रहा, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह के भी नकल माफियों ने नकल कराने से बाज नहीं आए। लेकिन जिला प्रशासन, जिला विद्यालय निरीक्षक ने नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कमर कस ली थी। उसी के दौरान कई स्कूलों पर कार्रवाई हुई। इस मामले पर जिला विद्यालय निरीक्षक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जनपद गाजीपुर में कई हाई स्कूल और इंटर के परीक्षार्थी शामिल हुए थे, लेकिन नकल नहीं होने की वजह से परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी और 26 FIR दर्ज हुई, जिसमें 26,000 में 43 लोगों पर कार्रवाई हुई और 18 लोगों को जेल भेजा गया। 9 स्कूलों के खिलाफ मान्यता निवेश करने की कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर में कुल 1,77,601 परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पंजीकृत थे। इनकी परीक्षा जो है 18 फरवरी से शुरू हुई और अभी परीक्षा 6 मार्च को समाप्त होगी। अभी आज का शाम का पेपर और कल का शाम का पेपर, दो पेपर और शेष है। अब तक जो है हमारे जनपद में कुल 31,819 छात्र जो है परीक्षा छोड़ चुके हैं और इस दौरान हम लोगों ने कुल 26 FIR कराए हैं और उस FIR में 43 लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके विरुद्ध FIR हुआ है और इसमें से 18 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। देखिए, जनपद गाजीपुर जो है नकल को लेकर के काफ़ी संवेदनशील रहा है पहले से। हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी परीक्षा प्रारंभ होने के पहले ही केंद्र निर्धारण से ही प्रारंभ किया था। मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि जनपद गाजीपुर में 2019 में 289 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन इस वर्ष छात्र संख्या कम नहीं हुई। फिर भी जो है हम सभी लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जो है उन दागी परीक्षा केंद्रों को जो है परीक्षा सूची से बाहर किया और कुल 228 परीक्षा केंद्र बने, जिसमें 71 परीक्षा केंद्र जो है पिछले वर्ष से कम बने। जो इसका परिणाम ये रहा कि एक संदेश गया, फिर भी कुछ लोगों ने एक तरह से चेतावनी देने का काम किया और जिन लोगों ने भी रूल्स को फॉलो नहीं किया या परिषद के नियमों का और शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई की गई। हमारे जनपद में एक जगह कुछ कापियां बाहर से पकड़ी गई थी और उसमें STF ने उसकी कार्रवाई किया था। उन लोगों के विरुद्ध भी जो है गैंगस्टर की कार्रवाई गतिमान है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया तुरंत। जो है जो बाहर से छात्र ला करके लोग विद्यालय पंजीकृत कराते थे, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की गई, उन्हें जेल भेजा गया और जिन विद्यालयों ने ऐसा किया था उनके मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई प्रेषित की गई। अब तक कुल 8 विद्यालय हमारे मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई में आ चुके हैं और जो हम लोगों ने बाद में प्रस्ताव भेजा वो अभी कार्रवाई में सम्मिलित हो रहे हैं। तो सर, ये सेंटर पे परीक्षा दूसरी बार होनी है, तो ये कौन सा स्कूल है सर? जी, वही जयनाथ इंटर कॉलेज है जहाँ पे कापियाँ बाहर पकड़ी गई थी। उस विद्यालय को जो है परिषद के निर्देशानुसार जो है उसकी परीक्षा राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में जो है, जो हमारा राजकीय सिटी इंटर कॉलेज मुख्यालय पर है, वहाँ पर 12 तारीख को प्रथम पाली में कराई जाएगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस